हाय गाइस, दिस इज मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 9 पैरेललोग्राम चैप्टर से। यहाँ पे गिवन है एडजेसेंट फिगर में ए बी सी डी एक रोम्बस है, डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, साइड ए बी है ये 10 सेंटीमीटर गिवन है और जो बी डी डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है। ओके फ्रेंड्स, हमें फाइंड क्या करना है, डायगोनल ए सी ये वाला डायगोनल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स। ओके मीन्स ये जो इसके डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। मीन्स पॉइंट ओ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे और दोनों जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से नाउ बी ओ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी हो जाएगा। बी डी हमें पता है 16 सेंटीमीटर है, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 × 16, 2 × 1 = 2 and 2 8 = 16 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या मिल गया हमें, बी ओ हमें मिल गया 8 सेंटीमीटर। ओके ए बी गिवन है 10 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, एंड एंगल ए ओ बी गिवन है 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, नाउ हम राइट ट्रायंगल ए ओ बी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, राइट ट्रायंगल ए ओ बी हमने ले लिया है, देन क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल, मीन्स इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, देन क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ए ओ हमें फाइंड करना है, ओ बी ओ है 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। मीन्स हमें क्या मिलेगा, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, देन ए ओ इज इक्वल टू हो जाएगा √36 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमें ए ओ मिल गया है ए ओ, देन हमें ए सी फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ए सी क्या है, 2 टाइम्स है ए ओ का, ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ए ओ और ओ सी दोनों इक्वल है, मीन्स ए सी जो है 2 टाइम्स है ए ओ का। सो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × ए ओ, ए ओ अभी हमने फाइंड किया 6 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे 2 × 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मीन्स जो अदर डायगोनल है ए सी वो हमें क्या मिल गया, 12 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।